आयोटा हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का 2 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 नंबर जो है वो सॉल्व करके आप लोगों को दे रखा है, बता दिया था। अब 2 नंबर जो है ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो देख लो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दिया है, यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और इससे पहले ही मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज जो है सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको क्लास 9 के नाम से एक नंबर पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसके बाद वाला स्टेप में लिख के देता हूँ, क्योंकि फिर जगह कम हमारे पास में तो बन नहीं पाएगा। तो इसके बाद का स्टेप में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक्स टू द पावर है हमारा 1/a-b, और उसके ऊपर पावर है हमारा a1/a-c। तो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, आपको मालूम ही है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके बस यहाँ रखना है। तो यानी कि x टू द पावर हो जाएगा हमारा कि 1/a-b, ठीक है, a-b, ओके, इंटू 1/a-c। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, पहला वाला का सॉल्व। दूसरे वाले को करते हैं रिएक्शन हमारा कि ये जो है इसमें भी देखो x टू द पावर ये है हमारा 1/b-c, उसके ऊपर पावर ये, तो पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं क्या कि मल्टीप्लाई में है दोनों आपस में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो मैं ऐसे दे देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब क्या है हमारे यहाँ पे x है, तो यहाँ दो x, उसके ऊपर पावर क्या है हमारा 1/b-c, ठीक है, इंटू ये 1/b-a हो गया। देन फिर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन दो, और ये है हमारा फिर, ठीक है, यानी कि x टू द पावर क्या है हमारा 1/c-a इंटू क्या है हमारा कि 1/c-b। चलिए तो ये हो गया हमारा डन। अब क्या करेंगे, अब देखो समझना डेशन कि सबका बेस इक्वल है, सबका बेस x, बेस में सब x है ना, तो और सब जो है आपस में मल्टीप्लाई में, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई में, तो पावर सबका हो जाएगा ऐड। हमें मालूम है कि पावर को ऐड करना पड़ता है, बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड होता है, ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि x टू द पावर क्या हो जाएगा कि 1/a-b थोड़ा तो मल्टीप्लाई में है इंटू a-c प्लस 1/b-c इंटू b-a, ओके, इंटू नीचे प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा कि 1/c-a इंटू c-b, ठीक है। चलिए सबको प्लस कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा समझना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात समझने वाली है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर a-b है, और अगर हम देखें तो यहाँ भी a-b हो सकता है, यहाँ b-a है, यहाँ a-b, यहाँ b-a। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन खींच लूँ, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन खींच लूँ, तो ये भी मेरा a-b हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं, देखो तब देखिए ये मेरा सिंपल वे में बनेगा, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखो 1/ क्या है ये हमारा a-b है, तो a-b रहने दो, a-b, ठीक, और ये मेरा a-c है, तो इसको a-c रहने देता हूँ, a-c, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखो b-c को b-c रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्लस है तो प्लस चल दो, 1/b-c को b-c रहने देता हूँ, b-c, इनमें से मैं कॉमन, देखो b-a है, b-a, इसको मैं अगर मैं माइनस कॉमन खींचूँ, इनमें से माइनस कॉमन खींचूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि -b हो जाएगा और +a हो जाएगा। कैसे हो गया भाई, अरे भाई मैंने माइनस कॉमन खींच लिया है, माइनस कॉमन खींचने का मतलब अगर मैं फिर इसको मैं इस माइनस को अंदर डालूंगा तो इतना ही हो जाएगा। देखो तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए, तो बस वही काम कर रहा है। और इसको फिर मैं अरेंज करके लिखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो a-b, बी को बाद में लिख दिया, ए को पहले लिख दिया, तो ये माइनस जो है हमारा मेरा कॉमन बाहर आ जाएगा। तो वही काम यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन बाहर खींचता हूँ, तो माइनस में जब कॉमन खींचूंगा तो माइनस मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस देखो ये माइनस को मैं यहाँ ले सकता हूँ, और मैं माइनस को यहाँ ले आता हूँ, तो ये माइनस यहाँ आ गया, जो यहाँ से माइनस कॉमन खिंचाएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ बचा हमारा a-b। थोड़ा सा समझना यार, समझने वाली बात थी, क्योंकि इनमें से मैंने माइनस कॉमन खींचा, तो माइनस जब कॉमन खींचेंगे तो तीनों तो आपस में मल्टीप्लाई में, ये माइनस ये और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैंने माइनस को यहाँ लिख दिया, कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले लिए, बात समझ में आ रही है। चलिए सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, एकदम डिट्टो काम यहाँ करेंगे, और हमारा काम बन जाएगा। देखो प्लस है तो प्लस डाल दो, यहाँ देखो ये a-c है, और a-c यहाँ भी है, अगर हम माइनस कॉमन खींच लेंगे तो ये a-c बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो चलो अब ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर दो बार माइनस कॉमन आएगा, एक तो इसके लिए कॉमन आया, तो जब माइनस कॉमन लिया अपन ने, तो ये हो गया हमारा a-c,
अब यहाँ देखो, यहाँ है सी माइनस बी और यहाँ है हमारा बी माइनस सी, तो इसको पलट देंगे तो हमारा यहाँ से भी जब कॉमन लेंगे माइनस, तो फिर देखो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा बी माइनस सी। तो देखो समझो, तो एक तो माइनस से कॉमन लिया यहाँ लिया, और इससे जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस आएगा। एक तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन खींचा पहली बार में, देखो पहली बार में जो मैंने माइनस कॉमन खींचा इस टर्म से तो ये माइनस आया, दूसरी बार जब इस टर्म से माइनस खींचा तो ये फिर ये माइनस, और इससे जब मैंने माइनस खींचा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हमारा प्लस में चेंज हो गया। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या करो, इन देखो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि देखो ये माइनस ऊपर नीचे लिख भी सकते हो, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स टू द पावर वन अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस सी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस वन अपॉन बी माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। सिर्फ कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ कुछ भी नहीं है हमारा, प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा प्लस, तो वन अपॉन ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। अब हमारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब सबका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जरा सोचो, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी, उसके बाद बी माइनस सी यहाँ है, बी माइनस सी यहाँ, ए सी यहाँ, ए माइनस सी यहाँ, ए माइनस सी यहाँ, यानी कि जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम इन सबसे जो एलसीएम आएगा वो कॉमन आएगा, क्या आएगा कि ए माइनस बी आएगा एलसीएम, और उसके बाद बी माइनस सी आएगा एलसीएम, और ए माइनस सी आ जाएगा एलसीएम, तो ए माइनस सी आ गया एलसीएम। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा समझने वाली बात यहाँ है, ये पावर में है, ये पावर में है, समझो एच पे पावर है हमारा। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो ये टर्म्स देखो, a माइनस बी और a माइनस सी, तो a माइनस बी और a माइनस सी खत्म, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म खत्म, खाली बचा b माइनस सी, तो b माइनस सी को यहाँ डाल दिया, ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लिखो। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कि b माइनस सी और a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस बी खत्म हो गया, इससे इसे खत्म, बचा a माइनस सी, तो a माइनस सी वन सेवन डिग्री, बाहर में माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखना, तो a माइनस सी बचा हमारा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जरा सोचो कि a माइनस सी और b माइनस सी, तो a माइनस सी, b माइनस सी खत्म हो गया, बचा क्या हमारा a माइनस बी, तो a माइनस बी जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया a माइनस बी। चलिए तो अब देखो ऊपर जो है ना सब कुछ कट कुटा के जीरो हो जाएगा, देखना ये प्लस b और ये माइनस b कैंसिल, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो, क्योंकि देता हूँ ना, तो फिर आप बोलोगे कि कैसे कर दिए, है ना, पूछने लगते हो आप लोग, तो ये देखो माइनस सी है तो माइनस सी रहने दो, प्लस a माइनस a और प्लस a, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस a, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी, फिर उसके बाद यहाँ बचा है प्लस ए, और अपॉन में क्या बचा हुआ है हमारा, ये इस पावर पे है, एक्स पे पावर है हमारा, अपॉन में क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, कि ये माइनस सी और ये प्लस सी कैंसिल हो गया, ये माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया जीरो, तो जीरो बटा एनी थिंग, जीरो बाय एनी थिंग जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि ये हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू का साइन, इक्वल टू दिस इम्प्लाइज नहीं चलेगा, इक्वल का साइन चलेगा, है ना, बीच में इक्वल नहीं है इसलिए इक्वल का साइन चलेगा यहाँ पे हमारा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर हो जाएगा हमारा, एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, क्यों हो गया एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि ये पूरा टर्म हो गया हमारा ऊपर वाला टर्म जीरो, जीरो बटा एनी थिंग, जीरो बाय एनी नंबर जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो, तो यानी कि एक्स टू द पावर जीरो, और एक्स टू द पावर जीरो किसी भी नंबर पे पावर जीरो तो वैल्यू होता है हमारा वन, तो ये हो गया हमारा वन, आ गया आंसर, आंसर हमारा निकल गया। तो ये हो गया वन पहला, ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ये सॉल्व हो गया, हमको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था ये प्रूफ हो गया हमारा, तो आप प्रूफ लिख देना, आंसर नहीं प्रूफ कर देना, कि प्रूफ्ड हैंस प्रूफ्ड एल एच एस टू आर एच एस हैंस प्रूफ्ड। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के क्वेश्चन नंबर 415 का 3 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।